होता ये है कि जितनी भी नेशंस डेवलपमेंट होती है वो किसी न किसी कॉज के तहत होती है, चाहे वो सोशल इशू हो, सिविक सेंस हो, या कोई भी कंपेन हो, आर्ट, विजुअल आर्ट, कोई भी चीज़ हो, उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह ये इस वक्त इफ्तिखार ने, रईस ने और मुबशर साहब ने और जाफ़ी साहब ने एक कंपेन तैयार की है कि व्हाट इज़ द मीनिंग बाय कंटेंट। इस एग्जीबिशन में दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला है आपका कॉन्सेप्ट, यानी कि कैंसर के मतलब फलाह के लिए ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग की नुमाइश की है, और जिसमें कोई छोटे लेवल का आर्टिस्ट, बाहर आर्टिस्ट बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनली अगर देखा जाए सो बड़ा रिच और मैच्योर काम है। जैसे लेजेंड आर्टिस्ट जमाल शाह साहब वगैरह से लेके मैडम फरियाल, मकबूल साहब, उन्होंने काम किया और बहुत ही डिटेल काम है, ऑयल में है, वाटर में है, तो इतना कंटेंट लेकर। सेकेंडली इनकी जो कंपेन है फॉर द कैंसर कॉज, अच्छा ये कंपेन उस वक्त कामयाब होती है जबकि आम आवाम, आम जनता आके इसको सिर्फ देखभाल के चला ना जाए, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करे कि लेट्स से अगर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता एक पेंटिंग, तो वो अपने किसी सोशल नेटवर्क के जरिए, थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, वो इसे बेचे, और बेचने के बाद वो उस इदारे को पहुँचे जो कई, यू कैन नॉट इवन काउंट इन फिंगर टिप्स के कितने पेशेंट्स हैं, और वो उनकी अगर छोटी सी फलाह के लिए भी अगर उन्हें एक उनकी ट्रीटमेंट हो जाए, सो वो अरबी में कहते हैं ना वमा अलैना इल्लल बला, तो आपका पैगाम पहुंच जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रईस चौहान है, मैं डिज़ाइनर हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इफ्तिखार को कि एक बहुत अच्छा शो क्यूरेट किया इन्होंने, और जिसके पीछे कॉज जो है वो बहुत अहम है। कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है, ये सारी फंडिंग शो की पूरी उनको जाएगी, और मैं दुआगो भी हूँ कि ये शो कामयाब जाए। और जिस तरह से कैंसर केयर हॉस्पिटल के पीछे जो टीम इन्वॉल्व है और जो काम कर रही है, उसको भी इस शो की जो भी फंडिंग या फंड रेजिंग हो, उनको भी एक अच्छी मोटिवेशन मिले बेसिकली इसकी। और बहुत अच्छा शो है, मैं लोगों से कहूँगा कि आए आर्ट कलेक्टर से, जो आर्ट में इंटरेस्ट है जिनका, आए देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं महमूद अली जाफरी, स्टूडियो 7 का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आर्ट सर्कल में गैलरी में एक कैंसर के लिए चैरिटी शो को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, दावत देता हूँ कि तमाम लोगों को कि इस शो में तशरीफ़ लाएं और इसको कामयाब बनाएं, क्योंकि हमारे कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स बहुत हैं इस मुल्क में, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे इंस्टीट्यूट कम हैं। तो जितना आप लोग आएंगे और इस चैरिटी में हिस्सा लेंगे, यहाँ आर्ट से रिलेटेड वर्क है, और उन आर्टिस्ट का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने काम को यहाँ डोनेट किया इस चैरिटी शो में, जो कि स्टूडियो 7 ने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके गैलरी डायरेक्टर मिस्टर इफ्तिखार चौहान हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला स्टूडियो 7 को मज़ीद तरक्की और आफियत में रखे अपनी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
السلام علیکم، میرا نام ہے محمد مبشر، میں یہاں پہ آیا ہوں اسٹوڈیو 7 آرٹ گیلری میں. یہ ایک شو ہے پہلا قدم کے نام سے. اس کے نام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک قدم ہے ٹورڈز ہیلپنگ اے کاز، اور وہ کاز ہے کینسر کے پیشنٹس کے لیے ایک ہاسپٹل بننے جا رہا ہے ان لاہور. اس کے لیے یہ ہم نے ایک چیریٹی شو رکھا ہے. اس کے اندر لوگ جو بھی پینٹنگز پرچیز کریں گے اس کی پروسیڈز ہیں وہ اس نوبل کاز کے اندر فارورڈ کی جائیں گی. تو آپ لوگ سے گزارش ہے، آئیے اس شو کو دیکھیے اور اس میں پرچیز کیجئے اور دل کھول کے کیجئے، تاکہ لوگ جو کینسر کے مریض ہیں پورے پاکستان کے اندر، آج کل یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو اس کے اندر پرجوش سے لگے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.